अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने वाला हूं, और यदि आप इंडिया से भाई ताल्लुकात रखते हो तो ये खबर आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही बड़ी दोस्तों ट्रेजेडी हुई है। कल के दिन बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों कतर एयरवेज की तरफ से। तो दोस्तों खबरों को यहां पे पढ़ सकते हैं, कतर एयरवेज वेलकम फिफ्थ डेस्टिनेशन इन जर्मनी विद द लॉन्च ऑफ हम्बर्ग फ्लाइट। साथियों, कतर एयरवेज की तरफ से जर्मनी के लिए पांचवा डेस्टिनेशन, यानी जर्मनी में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, तो पांचवा डेस्टिनेशन के लिए दोस्तों हम्बर्ग एक वहां पे एयरपोर्ट है, वहां के लिए पहली फ्लाइट कतर की तरफ से उड़ान भरी और कतर एयरवेज ने उड़ान भरी और दोस्तों हम्बर्ग में जाके फ्लाइट लैंड किया है। साथियों, पहले जर्मनी जाने के लिए चार शहरों में फ्लाइटें लैंड करती थी, पर साथियों अब जर्मनी जाने के लिए पांच शहरों में कतर एयरवेज का फ्लाइट जो है वो लैंड करेगा और जर्मनी से कतर फ्लाइट आएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, कतरी नागरिकों के लिए जो कतर से जर्मनी या जर्मनी से कतर आना जाना लगा रहता था, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज है। अगली खबर दोस्तों आ रही इंडिया से भाई आ रही, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है। खबर क्या, पूरी डिटेल बताता हूं, हो सकता है भाइयों आप लोगों को इसके बारे में खबर लग चुकी होगी। साथियों, इंडिया में उत्तर प्रदेश में रतिभानपुर एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, वहां पे किसी तरह का सत्संग चल रहा था कोई दोस्तों बाबा। आप तो जानते हैं इंडिया में इतने बाबा हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। कुछ लोगों को मेरी बातें सुन के बुरा लगेगा, पर भाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर ये सब चक्कर में बहुत सारे घटनाएं इंडिया में होते रहती हैं। तो रतिभानपुर दोस्तों एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे सत्संग चल रहा था, लगभग 20,000 लोग उस सत्संग में बैठे हुए थे। किसी वजह से वहां पे भगदड़ मच गई, भगदड़ होने की वजह से खबर दोस्तों निकल कर ये आ रही है 105 से 106 लोग की मारे जाने की खबर है, और बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में एडमिट करवाए गए हैं। 100 लोग उसमें से जो मारे गए हैं वो सब महिलाएं थी, 100 लोग सिर्फ महिलाएं थी, 3-4 साल उसमें बच्चे हैं और 1 साल से मर्द है जो मरा है। मतलब सबसे ज्यादा दोस्तों मरने की संख्या जो महिलाओं की है, 100 से ज्यादा महिलाएं मरने की दोस्तों रिपोर्ट निकल कर आ रही है। भगदड़ ये कैसे मची, इस पर कोई अपडेट्स दोस्तों अभी तक नहीं है, जैसे कोई अपडेट्स आएगी मैं आप तक शेयर कर दूंगा। पर साथ ही मैं आपको बता दूं, ये घटना होने के 1.5 घंटे बाद भी वहां पे किसी तरह का कोई भी मदद नहीं पहुंची थी, जिसके वजह से और भी ज्यादा लोग मारे गए। 20,000 के वहां पे आसपास लगभग भीड़ था, ये खबरों को दोस्तों आप लोग मालूम चल भी गया होगा। अगली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों, ये भी कतर एयरवेज की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। साथियों, कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि कतर एयरवेज जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है 6.1 बिलियन नेट प्रॉफिट। आप साथियों समझ सकते हैं कि 2023 से लेकर 2024 तक कतर एयरवेज ने लगभग 6.1 बिलियन कतर रियाल का फायदा किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कतर का एयरवेज का नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा हो चुका है और कितना दोस्तों एक्सपेंड कर चुका है। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों, ये कतर से नहीं है पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कुवैतियों के लेकर, इसे साथ ही मैं खबर को मैं आपको बता दे रहा हूं। खबर दोस्तों ये कि कुवैत रिज्यूम इस ऑन वीजा फिलिपिनी आफ्टर 1 ईयर बैन। साथियों, कुवैत जो है फिलीपींस के वर्करों को लेकर वीजा बंद कर दिया था 1 साल के लिए, पर दोस्तों फाइनली वीजा को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो जो भी कुवैत से ताल्लुकात रखते हैं, फिलीपींस के वर्कर है, जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट थी जो कतर से आ रही थी और भी अलग मुल्कों से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।